सुजिता और खास खबर में आपका स्वागत है। देश की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में महज कुछ दिन पहले एक शख्स लापता होता है। शख्स भी कोई आम नहीं बल्कि देश विदेश में अपनी पहचान बना चुके एक ब्रांड का सीईओ। फिर दो दिन बाद ही मिलता तो है लेकिन वो शख्स नहीं बल्कि नदी में तैरता उसका शव। मंगलुरु के पास नदी में मिला ये शव अकेला नहीं था, इसके साथ थे झकझोर देने वाले तमाम सवाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ की। वीजी सिद्धार्थ की एक आम इंसान से करोड़पति बनने की कहानी काफी हद तक फिल्मी रही। अपने पिता के उधार लिए केवल 5 लाख रुपए से सिद्धार्थ ने कॉफी का काम शुरू किया और उसने आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उनका ब्रांड कैफे कॉफी डे, जिसे सीसीडी के नाम से हर आमो खास जनता और पहचानता है, वो भी इंटरनेशनल ब्रांड के तौर पर। फिर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए उनकी जिंदगी में आई कर्नाटक के कांग्रेस लीडर और पूर्व सीएम एसएम कृष्णा की बेटी मालविका। इस तरह एक बिजनेसमैन के रूप में सिद्धार्थ हर पल नई ऊंचाइयों को छूते चले गए और उनका नाम शामिल हो गया देश के मिलेनियर्स की लिस्ट में। जब सिद्धार्थ लापता हुए तो अपने पीछे एक खत अपने परिवार और खासकर अपने कर्मचारियों के नाम छोड़ गए थे, जिसमें उन्होंने कर्जदारी के बोझ से खुद के दबे होने और एक बिजनेसमैन के तौर पर अपनी नाकामी का जिक्र किया था। सिद्धार्थ के खत से ये तो साफ जाहिर होता है कि उन पर कई करोड़ों रुपए का कर्ज था। हालांकि इतने बड़े कर्ज का काफी हिस्सा वो दूसरी कंपनियों के अपने शेयर बेचकर चुका चुके थे, लेकिन कुछ तो ऐसा था जिससे सिद्धार्थ फाइट बैक नहीं कर सके। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि एक ऐसा व्यवसायी जिसने सक्सेस के तमाम पायदान को पार करते हुए इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान कायम की थी, उसने ऐसे आत्मघाती कदम आखिर क्यों उठाया? क्या एक करोड़पति जो एक पूर्व सीएम का दामाद हो, उस पर बाजार और कर्ज का दबाव उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर गया? विजय सिद्धार्थ की हाई प्रोफाइल मौत से तमाम सवाल तो उठे ही हैं, साथ ही कुछ अनछुए सवाल बाजार व्यवस्था की पेचीदगियों और बाजार के दबावों पर भी उठ खड़े हुए हैं। दरअसल साल भर पहले ही सामने आई एक अमेरिकी निजी क्लिनिक एवं रिसर्च संस्थान की 4 साल की स्टडी के मुताबिक तमाम कंपनीज के सैकड़ों सीईओज का स्ट्रेस लेवल 51% से ऊपर रहा है। इसके साथ ही एक नजर डालते हैं बीते सालों में कई बिजनेसमैन द्वारा मौत को गले लगाने के गंभीर आंकड़ों पर भी। सीसीडी ओनर वीजी सिद्धार्थ की मौत इस तरह की बाजार के दबाव में हुई पहली मौत नहीं है। इस तरह के कई मामलात देश में पहले भी सामने आते रहे हैं, जिन पर हालिया चर्चा तो हुई लेकिन उनमें कमी नहीं आई। आइए नजर डालते हैं ऐसे कई कुछ केसेस पर। सबसे चौंकाने वाला मामला भारतीय मूल के ब्रिटिश अरबपति बिजनेसमैन और राजनेता स्वराज पाल के बेटे कपैरो के सीईओ अंगद पॉल का है। 2016 में अंगद ने अपने घर की 8वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वजह रही कंपनी की आर्थिक समस्याओं का दबाव। 2016 में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका साउथ एशिया के 47 साल के सीईओ गुरुग्राम में 19वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। जांच में सामने आया कि विनीत लंबे समय से स्ट्रेस का सामना कर रहे थे। 2016 में ही हैदराबाद में टेक्नो से एंटरप्रेन्योर बने लकी गुप्ता अग्रवाल ने नाइट्रोजन गैस को अधिक मात्रा में सूंघकर अपनी जान दे दी थी। अग्रवाल ने जॉब छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू किया था। 3 साल की मेहनत के बाद भी मनमाफिक सफलता ना मिलने पर फ्रस्ट्रेशन के चलते उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठा लिया था। 2012 में ट्रेवलिंग कंपनी के मालिक 56 वर्षीय ललित सेठ ने कर्ज के बोझ से हार कर मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक से कूद कर आत्महत्या कर ली थी। एक समय सेठ के देश भर में 79 ऑफिस और 500 से ज्यादा कर्मचारी थे। जून 2019 में केरल के कोटल में भारतीय मूल के नाइजीरियन बिजनेसमैन सजन पराइल ने अपने घर में ही फांसी लगा ली थी। वजह बनी स्थानीय अधिकारी का दुर्व्यवहार। दरअसल लोकल म्युनिसिपल चीफ पराइल के कन्नूर स्थित करीब 16 करोड़ की लागत के आर्ट कन्वेंशन सेंटर की जरूरी सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे थे।
इन आंकड़ों के मद्देनजर वापस सीसीडी प्रमुख वीजी सिद्धार्थ की आर्थिक स्थिति का आकलन करें तो उनकी प्रतिष्ठित कंपनी पर 2019 में करीब 68 करोड़ का कर्ज था, जिसके चलते सिद्धार्थ ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। पिछले करीब 7 सालों में अमूमन देश के हर भाग से इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं जिनमें बड़े बड़े बिजनेसमैन ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। हैरानी की बात तो ये है कि ये हालात सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है बल्कि विदेश से भी इस तरह के कई केस सामने आए हैं। भारत में इंडस्ट्रीज लगाने, उनके लिए सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों को लेकर सिस्टम पर सवाल तो अक्सर ही उठते रहे हैं, लेकिन दूर देशों में भी स्थिति ज्यादा अलग नहीं है। ये बात सामने आती है तमाम आंकड़ों पर नजर डालने पर। जनवरी 2019 में जर्मन अरबपति अडोल्फ मर्कले ने शेयर मार्केट में हुए फाइनेंशियल घाटे से आजिज आकर खुदकुशी कर ली थी। 2009 में अमेरिकी मॉर्गेज व्यवसायी फेडरी मैक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर 41 साल के डेविड कैरल मैन ने फाइनेंशियल स्ट्रेस और अमेरिकी अटॉर्नी की जांच के तनाव से हार कर अपने घर पर आत्महत्या कर ली थी। 2012 में ओलंपस मेडिकल सिस्टम्स इंडिया के जापानी मैनेजिंग डायरेक्टर तसुतोमो ओमोरी ने गुड़गांव में फांसी लगा ली थी। 2013 में ज्यूरिख इंश्योरेंस के सीएफओ पियरे वायर अपने घर पर ही मृत पाए गए थे। पियरे को 2011 में ही प्रमोशन मिला था। 2014 में थाईलैंड में टाटा मोटर्स के एमडी कार्ल स्लिम ने बैंकॉक में एक 5-स्टार होटल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। स्लिम के इस कदम के पीछे वजह पारिवारिक तनाव था। तो देखा आपने किस तरह कभी बाजार का उतार चढ़ाव, कभी कर्ज, कभी कानूनी उलझने, तो कभी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के असहयोग और दुर्व्यवहार के चलते देश विदेश के कई छोटे बड़े कारोबारियों और हाई प्रोफाइल अधिकारी इतना घातक निर्णय लेने पर मजबूर हो जाते हैं। बात चली है तो दूर तक जानी चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि देश और दुनिया में बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज के लिए मुफीद स्थितियां परिस्थितियां निर्मित की जाए जिससे किसी भी बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट कदम उठाएं तो वो पॉजिटिव ही हो।